ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, पागल है हम लोग। अरे भाई एक ही मोबाइल है, उसको रिब्रांड करके बेच रहे हो। इंडिया वाले इतने नहीं है, है ना? एक तो चाइना से आए, यहाँ पे बना रहे हैं और ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाट द टेक में। मैं हूँ किशोर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबा देना। तो पोको M2 Pro लॉन्च हो गया है कल, पर ये जो मोबाइल है क्या सच में कुछ नया है? और है तो क्या नया है इसमें, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वही क्या लगा के रखा है Xiaomi वालों ने। पहले इसने Redmi Note 9 Pro लॉन्च कर दिया था, अब ये कर दिया पोको। पोको ब्रांड पहले Redmi का ही था, अब ये Xiaomi से अलग हो गया है, जिसने अब तक सिर्फ 3 ही स्मार्टफोन बनाए हैं। जैसे कि इसका पहला मोबाइल था पोको F1 और दूसरा था पोको X2 और इसने अभी लॉन्च किया है पोको M2 Pro। मतलब उसने क्या किया है, ये पोको ने ब्रांड अलग तो कर दिया, पर ये वही फोन जो Redmi के फोन है उसी को रिब्रांड करके यहाँ पे बेच रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे पागल बैठे हैं? जो वही मोबाइल दूसरे रिब्रांड से लॉन्च कर देगा और वो हम लोग खरीद लेंगे? अरे पागल मत बनो यार, एक तो चाइना की कंपनी है, अपने इंडिया में आई है और हम लोगों को ही पागल बना रही है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है एकदम स्लिक डिजाइन है, वही जैसा नोट 9 प्रो में है, वही डिजाइन है, वही कैमरे है। जैसे इसमें कैमरे की बात करेंगे हम लोग, वही कैमरे है, वही डिजाइन है, वही रैम आपको मिल जाती है और इसका प्राइस भी वही का वही है। तो इसमें क्या नया है, नया क्या है? अगर हम लोग नए की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 33 वैट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो Redmi Note 9 Pro में सिर्फ 18 वैट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट था, पर यहाँ पे आपको 33 वैट का मिलता है। सब इसमें सेम है। जैसे कि इसकी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी भी आप देख सकते हैं, इसकी जो 5000 mAh की बैटरी इसमें दी है और Redmi Note 9 Pro में वहां पे भी आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती थी। डिजाइन एग्जैक्टली सेम है। इसका डिस्प्ले अगर देखें तो वही है 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले है, वही गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन इसमें मिल जाता है। पर अगर यहाँ बात करते हैं रिजोल्यूशन की, उसमें भी सेम है यार, इसमें भी आपको सेम ही रिजोल्यूशन मिल जाता है। भाई अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो ये जितना Redmi Note 9 Pro स्लिक और स्लिम है, 8.8 mm की इसकी थिकनेस आपको मिल जाती है। दोनों में थिकनेस भी सेम है, बोले तो इसने पूरा डिजाइन का डिजाइन कॉपी करके वहां से उठाया, यहाँ पे रिब्रांड कर दिया और भेज दिया है। इसका वेट भी एकदम सेम है, 209 ग्राम का, दोनों का वेट सेम टू सेम। वही इसमें आपको मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले, मतलब जो Redmi Note 9 Pro में था वही इसमें भी दिया है। फिंगरप्रिंट दोनों में आपको साइड में ही मिल जाता है, तो साइड फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा होता है, पर दोनों में ही सेम टू सेम साइड में ही फिंगरप्रिंट दिया गया है। अगर बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा आप देख सकते हैं इसमें है 48 MP का वाइड एंगल कैमरा, मेन कैमरा जो बैक में रहता है उसमें भी आपको 48 MP का मेन कैमरा ही मिल जाता है। दोनों में आपको वाइड एंगल लेंस भी मिल जाते हैं, माइक्रो लेंस भी मिल जाते हैं, सेम माइक्रो लेंस विद सेम एपरेचर। यहाँ पे कुछ भी कैमरे में बदलाव नहीं है, ना ही आपको फ्रंट कैमरे में भी बदलाव नहीं दिखता। यहाँ पे भी आपको 16 MP का कैमरा मिलता है, जो कि आपको Redmi Note 9 Pro में भी मिल जाता है। तो है क्या इसमें नया क्या है? वही अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वही प्रोसेसर मिल जाता है 730G का, जो दोनों में ही सेम प्रोसेसर है। इसकी सेम स्पीड के साथ आपको इस मोबाइल में आपको सब रैम वगैरह या फिर इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज और वेरिएंट भी आपको सेम ही मिल जाते हैं। मोबाइल के ऊपर में अगर देखते हैं तो वही है IR ब्लास्टर मिलता है और वही आपको यहाँ पे दूसरा नॉइज कैंसलेशन माइक मिल जाता है। वही अगर नीचे में देखते हैं तो नीचे में भी आपको जैसा सेम टू सेम दोनों में एक सी टाइप चार्जिंग है, वही यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिल जाता है और आपको स्पीकर भी मिल जाता है। तो वैसे ही जैसे Redmi Note 9 Pro में है, दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटीज है। वही अगर इसका स्लॉट देखते हैं, जो सिम स्लॉट है वो भी साइड में देख सकते हैं, जैसे का वैसा ही यहाँ पे उसी जगह पे रखा हुआ है। अगर पीछे में देखते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आपका काली पट्टी अगर जो है वो Note 9 Pro में वही है, वही अलग है बस डिफरेंस, बाकी सभी यहाँ पे जो डिजाइन है वो सेम है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा कॉपी करके रिब्रांड करके भेज दिया गया मोबाइल हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए तो आप लोग पोको M2 Pro ले सकते हैं, वरना Redmi 9 Pro ले लीजिए। अब चॉइस आपकी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है और देखते बैठिए आप लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से पोको M2 Pro जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है
और सब सिमिलरिटीज Redmi Note 9 Pro की ही मिलती है, तो क्यों आप Redmi Note 9 Pro क्यों लेंगे? तो ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटर हो गया Redmi Note 9 Pro का, मतलब ये खुद की कंपनी है, खुद से ही कॉम्पिटिशन कर रही है।